यूट्यूब पे एक चैनल है भाई, स्लेप पॉइंट्स, स्लेप पॉइंट्स, सेले पॉइंट्स जो कह लो, रोस्टिंग करते हैं। चलो ठीक है, जमाना है, ट्रेंड में है, रोस्टिंग चैनल्स चलते हैं। कैरी भाई ने जब से रोस्ट करना शुरू किया, सब कोई अपने आप को रोस्टर समझ रहा है। लेकिन भाई तो जो सेले पॉइंट्स वाले तुम लोग हो ना, रोस्टर नहीं टोस्टर हो, क्योंकि दिमाग को तुम लोगों ने खराब कर दिया है। तुम लोगों ने जब से टीचर्स को रोस्ट किया है, तभी से तुम लोगों ने ये चीज को प्रूफ कर दिया है कि तुम्हारी जो मेंटेलिटी है या जो तुम्हारी सोच है वो कहाँ तक की है। हंसने हंसाने का एक जरिया होता है, चलो सही है, तुम किसी को रोस्ट करके हंसा रहे हो, ठीक है, एक तो वही गलत है। लेकिन तुम टीचर्स को कैसे टारगेट कर रहे हो, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन को। तुम्हें बताया कि जब कोविड के समय में ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी चीज थी जिन्होंने कई बच्चों को बचाया, और साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन आज इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। आज तुम यूट्यूब पे देखो ना, इतने सारे वीडियो हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक्स के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम उस बच्चे के बारे में सोचो ना जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। अब तुम कह रहे हो ऑनलाइन में टीचर शायरी कहते हैं, मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं, यहां तक तुमने ये भी कहा है। तो ये बताना भाई, टाइम पास कैसे है? टाइम पास तो तुम लोग कर रहे हो ना, वीडियो बना रहे हो, और ऐसे वीडियो के चक्कर में बच्चे पढ़ाई छोड़ गए, ऐसे वीडियो में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लगातार 2 घंटे कैमरे के सामने पढ़ाना जब सामने में बच्चा नहीं है, और इस बात को दिमाग में एज्यूम करते हुए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा सामने वाला कंसेंट्रेट होकर मेरी क्लास को समझ रहा है, लगातार 2 घंटे का लेक्चर कैसे झेल पाएगा ये दिमाग। तो बीच में एंटरटेनमेंट जरूरी है ना, हर एक टीचर अपने पर्पज से करता है, अपना तरीका है। तुम एक जमाना सोचो पहले का था और आज का एक टाइम है जबकि बच्चा अपने आप को कनेक्टेड फील करता है। मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी पढ़ाता हूं, और बच्चा कनेक्टेड फील करता है, अपनी हर एक प्रॉब्लम को शेयर करता है, ना कि पहले जैसा ये बात है कि डर लग रहा है, कैसे मैं डाउट पूछूं, कैसे भैया से बात करूं, कैसे टीचर से बात करूं। आज से पहले ऐसा कहां था भाई जो टीचर को लोग भैया बोलते थे, आज के सिस्टम में है ना। तो तुम रोस्ट कर रहे हो उन टीचर को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जो गाड़ियां जा रही है ना जो कि साउंड मचाती है, जो इरिटेट करती है, अब तुम लोगों ने इरिटेट किया है, इरिटेट कर रहे हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट एक एजुकेशन दिया जा रहा है। चलो बहुत सारे जो है पेड कोर्सेस हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन हम सोचो इंडिया का एक बेस्ट फैकल्टी जो कि आज कोटा में कोना में बैठा है, कोटा में क्लास ले रहा है, और कोटा में जो टीचर पढ़ा रहा है वो बिहार में बैठ के बच्चा बिना गए वहां पे ज्यादा पैसा खर्चा किए पढ़ाई कर पा रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में तुमने, अगर मैं कहूँ फिजिक्स वाला या कोई पर्सनल टीचर किसी भी को गाली दी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुमने पूरे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को गाली दी है भाई। तो तुम क्या समझते हो ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा है? तो उसमें जितना ज्यादा खर्चा है उसका कौन भरपाई करेगा भाई? तुम कर दोगे? तुम इतना कमा रहे हो व्यूज छापने के लिए, पैसे छापने के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो जो तुम्हारे फंड आ रहे हैं यूट्यूब से उससे ही भलाई कर दो। तुम बता दो 10 बच्चे को भी तुमने उसके एजुकेशन पे, एक बच्चे के एजुकेशन पे तुमने खर्चा किया हो। एक तो खुद अनपढ़ हो, अनपढ़ वाली बातें कर रहे हो, और जो बच्चे पढ़ना चाह रहा है उसको भी डिमोटिवेट करने का काम कर रहे हो, साथ साथ जो टीचर इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी तुम क्वेश्चन अराइज कर रहे हो। तो ये भाई जो तुम चीजें कर रहे हो ना, व्यू छापने का काम कर रहे हो, सोच रहे हो कि नया ऑडियंस आएगा, वो जो टीचर है वो रिएक्ट करेंगे, नए ऑडियंस जुड़ेंगे, तुम व्यूज पर पैसे छापोगे, ये सभी चीजें ज्यादा दिन काम नहीं करने वाले। मैं तो सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ जो स्लेप पॉइंट्स है उसको बाइकआउट करो। अगर कोई बच्चा देखता है उस चैनल को भाई, देखने के लिए बहुत सारे रोस्टिंग चैनल्स हैं, रोस्टिंग देखने में अच्छा लगता है, दूसरे चैनल्स को देखो, इसको बाइकआउट करो। समझ में आना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे भविष्य को बना रही है उसको इस तरीके से रोस्ट करना, एक तरीके से गाली देना, ये चीजें सही नहीं है। अभी तुम बोलोगे ये गाली तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये गाली है उन टीचर्स के लिए जो कि 100% डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनके पढ़ाई के, उनके मेहनत का तुम मजाक उड़ा रहे हो भाई। ये चीजें नहीं चलेंगी काफी दिनों तक। तो अभी तक कोई बड़े टीचर जो है वो सामने नहीं आए, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई बड़ा टीचर सामने में आ जाता है खुले तौर पे, तो तुम्हारा चैनल बंद करना पड़ेगा या बंद हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो को शेयर करो, अवेयरनेस फैलाओ कि जो भी ऐसे छपड़ी यूट्यूबर्स है ना जो कि अपने व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, छप्पड़पनी कर रहे, छप्पड़पनी का हो इनको मैं क्या कहूँ भाई, ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है तुम स्टेप लो। कैसे स्टेप लोगे? वीडियोज नहीं देखो, चैनल बाइकॉट करो, बस वही एक रिवेंज होगा। रिवेंज है जरूरी, क्योंकि
आपके फ्यूचर के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई डिमोटिवेट करे, जिससे रिस्पेक्ट करे, तो मैं कहीं ना कहीं उसका साइड लेना चाहिए। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे।